नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता कितना प्यार करती है, इसका अंदाज़ा हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में सबको चल गया। लेकिन कुछ चाहने वालों की उनके प्रति दीवानगी हर खास और आम को पसंद आ रही है। हरियाणा के एक युवा समर्थक प्रधानमंत्री मोदी के हर कार्यक्रम में नजर आते हैं। उस खास समर्थक से बातचीत की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का फैन देश के हर कोने कोने में मिल जाता है, और इस वक्त प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रांची के प्रभात तारा मैदान में आए हुए थे, जहां पे उन्होंने योग किया। और इस दौरान उनका एक बहुत बड़ा फैन आया हुआ है, जिसे हम आपको रूबरू कराते हैं। पहले तो इनके बारे में जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, पहले अपना परिचय। सर, मेरा नाम आयुष्मान सागर है और मैं हरियाणा के फरीदाबाद से आया हूँ, और हमारे लोकसभा जो सांसद है वो कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। अच्छा, क्या आप मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हर जगह जाते हैं? हाँ सर, मोदी जी जहाँ मोदी जी वहाँ पीछे पीछे सागर, जहाँ मोदी जी वहाँ पीछे पीछे सागर। हालांकि मोदी जी को भी पता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो पीछे कूद ही जाएगा, और कल एक्चुअली अखबार मीडिया के माध्यम से उनको ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है। क्या कभी मोदी जी से मुलाकात हुई आप? सर, करीब जाता हूँ, वो मुझसे मिल चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ना, जो मुद्दा लेके चल रहा हूँ, वो मुद्दा नहीं निकल पा रहा है सर। वो मुद्दा जब बैठकर फैसला होगा उसका, जब वो मेरे सामने बैठेंगे। क्या मुद्दा क्या है सर? 2004 के बाद से आर्मी को छोड़कर जितने भी जवान हैं, चाहे वो BSF हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे पुलिस वाले, इनकी पेंशन रोक दी गई है। जबकि एक पूर्व विधायक को आजीवन पेंशन मिलता है, और ये तो देश और समाज की सेवा करते, तो इनको पेंशन क्यों नहीं? ये मोदी जी से शिकायत है? आप ये शिकायत है मोदी जी से? क्या शिकायत है? वो तो जिस दिन बोल देंगे उसी दिन वो लागू कर देंगे, लेकिन ये बात पहुंचाए कौन उन तक? एकमात्र मीडिया है, मीडिया भी साथ देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि ऊपर तक ये बात पहुंच नहीं पाती मोदी जी तक। आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा मोदी में आपने देखा कि इतने बड़े फैन हो गए, जहां वो जाते हैं हर जगह पहुंच जाते हैं? सर, पहली बात तो 2014 के बाद से एक 5 साल के बच्चे को भी पता है मोदी जी कौन है, ठीक सर? और 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था। एक जज्बा चाहिए इतना कुछ करने के लिए, तो आखिर मोदी जी की कौन सी बातें हैं जो आपके अंदर इतना जज्बा लाए? सर, उन्होंने जो 4 कार्य करे हैं ना, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। पहला तो 3 तलाक का मुद्दा। आप सर मेरठ जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, जाइए हरियाणा के मेवात, आपको जितनी मुस्लिम औरतें मिलेंगी वो अब रोकर बोलती हैं कि बेटा हमारा भविष्य जैसा गया गया, लेकिन मोदी जी की वजह से मेरे बच्चों का भविष्य सुधर गया। और दूसरी बात रही तो सर, जो ये आयुष्मान कार्ड का जो इन्होंने योजना निकाला है सर, मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक रिक्शे वाले का परिवार तक, पार्क हॉस्पिटल है हमारे सेक्टर 11 में फरीदाबाद में, वहाँ पे घुस के इलाज कराया है सर, 5 लाख तक का फ्री इलाज। और तीसरा सर, आज गाँवों में जो बिजली है ना, हर एक किसान का बेटा पढ़ पा रहा है, नहीं तो पहले लालटेन का तेल ख़त्म हो जाता था, लेकिन बच्चे की पढ़ाई ख़त्म रुक जाती थी, आज ऐसा नहीं हो रहा। आपसे ये जानना चाहिए कि आखिर जो हर जगह जाते हैं, इसका खर्चा कहाँ से आता है और आप करते क्या हैं? सर, मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ और फरीदाबाद में जॉब करता हूँ, और जो मेरे मालिक है वो खुद मोदी जी के इतने बड़े फ़ैन है कि वो मुझे खूब मदद करते हैं। एक्चुअली मैं जितने दिन काम करता हूँ मुझे पर डे के पेमेंट मिलती है, तो 10 दिन काम किया तो 3,000, फिर 10 दिन काम किया 3,000, तो मेरे को लिए बहुत है इतना, इतने में तो मैं अपना अप डाउन कर लेता हूँ। फिर घर का खर्चा? सर, मेरे भाई है एक, मेरी बहन है और मेरे मम्मी पापा है। मेरा भाई मेरी पूरी फैमिली को संभाल लेता है। उनको जब मैंने पहली बार बोला था कि मैं मोदी जी से मिलूंगा, तो वो लोगों ने चुट्टी काट के चेक किया था, लेकिन आज उनको पूरा भरोसा हो गया कि मेरा बेटा मिल लेगा। और रही सर सैलरी की बात, तो मेरा 50% यहां लगता है, 50% मेरा घर जाता है। आप कहते हैं कि बिहार भी गए थे आप, जो कि चुनाव था लोकसभा चुनाव में, वहाँ पे क्या किया आपने? और कुछ समय के बाद झारखंड में भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, यहाँ की क्या प्लानिंग है? पहले बिहार की बात। सर, बिहार की बात करूँ तो सर वही बेगूसराय, उसके बाद हमारा बांका, भागलपुर से अजय मंडल जी के बारे में बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि उनके बारे में कहना ज़रूरी है। कभी सर मैंने अपनी लाइफ में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ ऐसा कैंडिडेट कभी नहीं देखा था। इतने लोगों के लिए काम किया मैंने, अजय मंडल जैसा अगर कैंडिडेट JDU ने चुनकर दिया है तो बिल्कुल सही दिया है सर।
वो एक आम आदमी की तरह कहीं भी निकल जाते हैं, किसी की भी समस्या सुनते हैं। सर मैं खुद हैरान हूँ कि एक सांसद ऐसे कैसे कर सकता है। और झारखंड में आप झाड़ू करेंगे कि पोछा करेंगे? सर पोछा मारूंगा, क्योंकि वहाँ झाड़ू मारा तो थोड़ा सा गंदगी रह गया किशनगंज में, यहाँ पोछा मारूंगा। और 81 की 81 सीट बीजेपी जीतेगी, इस चीज़ का मुझे आत्मविश्वास के साथ भरोसा है। बंगाल में कैसे जनता का मूड बदलेंगे आप अपने माध्यम से? सर जनता का एक मैं पहले बता दूं, साइंटिफिक तरीके से मैं उनके अंदर ना एक मोटिवेशन पैदा ये कर देता हूँ कि लोग देखते हैं कि यार मोदी जी के लिए लड़का अपने शरीर को ख़राब कर रहा है, तो हम एक वोट तो दे ही सकते हैं। वो पहला इंडिकेशन होता है। दूसरा उनके सवालों का जवाब, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा तो उसके बारे में अगर मैं सब कुछ अच्छे से बता पाऊंगा तो कोई भी खरीदेगा। तो ऐसे मोदी जी के बारे में सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ, सामने वाला वोट कर देता है। एक खास बात जो आपके शरीर में दिख रही है, हर जगह कलर लगा हुआ है, फैंसन मोदी जी का लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप खुद से करते हैं या कहीं जाकर रंग पेंट? सर इसमें एक जो यहाँ का लोकल कार्यकर्ता होता है वो मेरी मदद करता है। ये तो राइट हैंड है तो मैं अपने आप कर लेता हूँ, पीछे मेरा लेफ्ट हैंड से वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हरियाणा लिखना ज़रूरी होता है। सर लाखों लोगों को नहीं बता सकता बार बार कि मैं हरियाणा से हूँ। बहुत लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से। अरे भाई तू 5-6 देख लेना है, इसलिए उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी के बहुत सारे फ़ैन हैं देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि विदेश में भी हैं, उन लोग के लिए क्या कहना? बस ये कहना चाहूँगा कुछ अलग करो तभी मोदी जी के लिए कुछ होगा, और मोदी जी से प्रेरणा लेने की कोशिश करें। पता कैसा कि 60 साल की ज़िंदगी जीने से अच्छा ना कि इन 60 सालों में एक काम ऐसा करो कि आने वाली 160 पीढ़ी आपको याद रखे, क्योंकि मोदी जी ने वो कर दिया है नोटबंदी करके। हरियाणवी लोग की एक अंदाज होती है अपनी बात रखने की, मैं चाहूँगा कि जो मोदी जी के फ़ैन हैं उनके लिए उस अंदाज में कुछ बात रखें। मोदी जी के फ़ैन के लिए बता रहा हूँ सर, आप आगे रिप्लाई कर देना, चम्मच में चम्मच और चम्मच में जीरा और 125 करोड़ देशवासियों के मोदी जी है हीरा। जय श्री राम। ये थे सागर जो मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं, और मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ ये पहुँच जाते हैं। कहीं ना कहीं अगले कार्यक्रम में आपकी भी नज़र इन पर पड़ सकती है। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग, रांची।